नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विथ राइस में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती रिजल्ट के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग को मालूम चल ही गया होगा कि बीपीएससी टीचर का रिजल्ट पब्लिश किया जा रहा है और यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थियों के यहाँ पे रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, अभी वर्तमान में 11th और 12th का परिणाम जारी किए जा रहे हैं। 11th 12th में कुल मिलाकर के यहाँ पे 30 सब्जेक्ट हैं और उसमें से बहुत से सब्जेक्ट के यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश कर दिए गए हैं। दोस्तों, कट ऑफ मार्क्स काफ़ी ही कम गया है और दोस्तों आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि प्राइमरी स्कूल का और 9th 10th का रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये रहा बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे 17/10/2023 के डेट में यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं, बहुत से सब्जेक्ट के यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं, फिलोसफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, प्राकृतिक, पाली, पारसियन, मैथिली, ये सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे रिजल्ट आ चुके हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अभी भी रिजल्ट नहीं जारी किए गए हैं। तो पहले यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट का रिजल्ट पब्लिश किया गया था जिसमें 525 अभ्यर्थी सफल हुए थे। और दोस्तों, आप लोग ये सुनकर के चौंक जाएंगे कि हिंदी सब्जेक्ट में यहाँ पे 3221 पोस्ट था, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट आया मात्र 525। यहाँ पे देख सकते हैं कितने कम संख्या में यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया गया है। यानी दोस्तों, यहाँ अभ्यर्थी ही नहीं जुट पाए हैं। जितने भी अभ्यर्थी हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, यानी जो यूआर का यहाँ पे जो 40% रखा गया है, और यहाँ पे ओबीसी का अगर उसके आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे बहुत से सब्जेक्ट है जहाँ पे अभ्यर्थी मिल ही नहीं पाए हैं। जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री का ही बात करें, केमिस्ट्री में यहाँ पे कुल मिलाकर के जो सीटों की संख्या है लगभग 4800 के आसपास में है। 4800 होने के बावजूद यहाँ पे जो रिजल्ट अभी जारी किया गया है, मात्र 1072 अभ्यर्थी को ही यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ही कम संख्या में अभ्यर्थी पास हुए हैं जो कि अवेलेबल ही नहीं हो पाए। वही यहाँ पे आप अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी अच्छे खासे सीट थे और यहाँ पे देख सकते हैं मात्र 289 अभ्यर्थियों को यहाँ पे सिलेक्शन मिली है। और यहाँ पे अगर सीट देखें तो लगभग 1033 के आसपास में यहाँ पे सीट थी और मात्र यहाँ पे 289 कैंडिडेट, मात्र यहाँ पे 279 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाया है। वही दोस्तों, यहाँ पे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कुल मिलाकर के 3022 सीट थे और मात्र 682 कैंडिडेट फिजिक्स में ही पास हुए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना कम संख्या में अभ्यर्थी पास हुए हैं। यानी जो भी कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ला दिए हैं सभी सब्जेक्ट में, तो उनको यहाँ पे जॉब मिल चुकी है, जो कि एक बहुत ही देख सकते हैं। ये रहा फिजिक्स का यहाँ पे रिजल्ट रहा। दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी अलाउट कर दिया गया है कि कौन से अभ्यर्थी को कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलाउट किया गया है। दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल करने के लिए बोला गया था, जिसमें आपको एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेरिट के अनुसार आपको अवेलेबल करा दिया गया है। जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे रोल नंबर है, बगल में यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको पोस्टिंग हुआ है, यहाँ पे पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। वही दोस्तों, रिजल्ट के रिगार्डिंग एक नोटिस भी जारी किया गया है। इसमें यहाँ पे बहुत से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें साफ साफ बता दिया गया कि जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे मूल डॉक्यूमेंट है वो जाकर को वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पे अवेलेबल करवाना है। यानी जहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे मूल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। दोस्तों उससे पहले एक बार और मौका दिया गया है कि जो आप फॉर्म अप्लाई किए हैं उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं उस पर आपको प्रिंट करना है। उसमें बीपीएससी का वाटर मार्क्स आएगा और वही आपको जो कॉपी है वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए लेकर के जाना है। जिन अभ्यर्थियों का जो कॉपी है ब्लर है, साफ नहीं है, या किसी प्रकार वो गलत अपलोड कर दिए हैं, तो उनको यहाँ पे दोबारा मौका दिया गया है। आप यहाँ पे 30 अक्टूबर तक आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। दोस्तों वही बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे भी मेंशन कर दिया गया है कि उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे एम्स या IGIMS में होना था। अगर वहाँ से आप प्रमाण पत्र नहीं लाते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही दोस्तों, यहाँ पे पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग के कटअप के बारे में भी मेंशन किया गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी का 40% रखा गया था, अनपिछड़ा वर्ग यहाँ के 36.5% रखा गया था और अन्य को यहाँ पे देख सकते हैं। उसी प्रकार उसमें भी संशोधन किया गया था कि अगर आप 75% से कम अभ्यर्थी यहाँ पे
भरे जाते हैं तो आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मेरिट है उसको भी कम किया जा सकता है। और दोस्तों इसमें कम भी किया गया है क्योंकि 75% अभ्यर्थी लगभग मैक्सिमम, और दोस्तों यहाँ पे आपका कट ऑफ भी कम किया गया है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सब्जेक्ट में 75% रिक्तियाँ भरा नहीं गया है। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, यहाँ पे जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और दोस्तों इसमें अभी तक सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया है, जितने भी 11th 12th के कैंडिडेट हैं जिनका भी रिजल्ट नहीं जारी किया गया है, आज देर रात तक आपको यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग आज भर वेट कर लीजिए, आज शाम तक आपको 10 बजे से आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और रात्रि आपको 11-12 बजे तक आपको रिजल्ट कंटिन्यू देखने को मिलेगा। वही दोस्तों इसके बाद में आपका जो है 9th और 10th का रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे प्राइमरी का यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो दोस्तों आपका जो 9th और 10th का जो रिजल्ट है 19 अक्टूबर को यहाँ पे आप लोग को जारी किया जाएगा। वही दोस्तों अगर प्राइमरी का रिजल्ट की अगर बात करें तो प्राइमरी का रिजल्ट आपको 20 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको मैक्सिमम पोस्ट पे जो दोस्तों मैक्सिमम सब्जेक्ट का आपको 20 अक्टूबर को यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को बहुत ही जल्द रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको अपडेट कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।